स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका सवाल है कि यह जो शब्द है आयंगर, ठीक है, आयंगर व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो इस सवाल का जवाब लिखेंगे कि आयंगर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य के ग्रामीण प्रशासन की व्यवस्था थी। तो ग्रामीण प्रशासन क्या होता है? देखिए, प्रशासन को चलाने के लिए पुराने समय में और अभी भी क्या किया जाता है, इसको अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। तो सबसे जो छोटी इकाई होती है उसको हम ग्रामीण कहते हैं। तो जैसे कि यह मान लीजिए गांव है, बहुत सारा गांव, तो गांव में जो व्यवस्था होगी उसे क्या कहा जाता है, ग्रामीण कहा जाता है। फिर उससे जो बड़ी व्यवस्था जो पूरे गांव को नियंत्रित करता है उसके लिए एक अलग व्यवस्था होती है। फिर उस गांव के जो क्षेत्र होता है, ऐसा ऐसा कई सारे क्षेत्र को मिला दीजिएगा तो जो व्यवस्था होगा उसे अलग व्यवस्था कहा जाता है। और फिर इस तरह करते करते सेनापति फिर राजा तक पहुंचा जाता है, क्षेत्र तक पहुंचा जाता है। तो इसमें जो सबसे छोटी व्यवस्था होगी जो ग्रामीण स्तर पर होगा उसे ही हम क्या कहते थे, आयंगर व्यवस्था कहते थे। अब इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करके लिए लिखेंगे कि आयंगर व्यवस्था के तहत प्रत्येक ऊर या ग्राम, ऊर मने ग्राम होता है, ग्राम मने गांव होता है, को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया जाता था। और इस प्रशासन के लिए एक बाहरी 12 मतलब 12, ठीक है, यहाँ पर 12 गिनती वाला है, 12 शासकीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। और इन्हीं 12 शासकीय अधिकारियों के समूह को आयंगर कहा जाता था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आयंगर क्या होता है, यानी कि ये व्यक्तियों का जो समूह था इसे ही आयंगर कहा जाता था। कितने व्यक्ति होते थे, 12। तो कभी कभी ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि आयंगर व्यवस्था में कितने व्यक्तियों का समूह होता था, तो उसमें 12 शासकीय अधिकारियों का समूह होता था। तो ये था आपके सवाल का जवाब। और ऐसे ही सवालों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।